न्यूज। दो बड़े नेता कांग्रेस के, राहुल गांधी और प्रियंका, और इन दोनों नेताओं को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही है वो नाम सामने। कुमार झा मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे, निकिता सरीन मेरे साथ जुड़ने जा रही है थोड़ी देर में, लेकिन मैं शुरुआत में सबसे पहले अनिल यादव भाई का ही मैं रुख कर लेता हूं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल भाई, कांग्रेस की ये दो सीटें जिनके बारे में कहीं भी बात कर ली, इस उहापोह में है वो तो कांग्रेस को तय करना है, सीईसी उसकी तय करेगी, लेकिन चर्चाएं हैं इसलिए पूछना हमारा भी हक बनता है, क्योंकि इतने बड़े लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हर कोई यही बात कर रहा है। कब तक स्थिति साफ हो सकती है अनिल भाई? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है अमेठी की है तो इन सीटों से जो कांग्रेस पार्टी का रिश्ता है वो राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। और बतौर अगर कार्यकर्ता बात करूं तो एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का हो चाहे अमेठी का हो, ये चाहता है कि राहुल जी अमेठी से लड़े, प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। और कार्यकर्ता ही नहीं, जो रेल नीर कारखाना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सैनिक स्कूल, मेगा फूड पार्क, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी आई सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीएचईएल, सेल, एचएएल, तो ये तमाम जो काम थे ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। वहीं 5 साल उन्होंने दूसरे सांसद को दिए, स्मृति ईरानी जी को दिए, वो वेस्ट मैनेजमेंट का विकास है। और देखिए अमेठी की जनता के बारे में एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, बड़ा ही सेंसिटिव इलाका है, वहां के लोग बड़े सेंसिटिव और इमोशनल हैं। उनको एक्टिंग जो है, उनको एक बार एक्टिंग बड़ी पसंद आई तो उन्होंने स्मृति जी को चुना, लेकिन उसके बाद उन्हें भी विश्वास हो गया कि इनकी जगह जो है वो टीवी सीरियल तक है, एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में चुकी है। और यही कारण है कि भाई आज अमेठी के लोग कह रहे हैं कि राहुल जी आए तो हम उन्हें सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। अब एक बात छोटी सी कह देता हूं, देखिए आपका जो इंटरेस्ट है, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी भी तो बताए, हम तो नहीं पूछ रहे कि प्रधानमंत्री जी भाई मणिपुर में क्यों नहीं जाते हैं या वहां से क्यों नहीं लड़ते हैं। तो ये मैं जानता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से प्रत्याशी चुनेगी, और हमारे यहाँ तो जैसा कि आपने भी बताया सीसी की बैठक हुई, उसमें अब खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो डिसाइड करेंगे कि भाई जहां जो प्रत्याशी होगा उन्हें लड़ना है तो वो लड़ा जाएगा। यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है कि मोदी जी कह देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अमित शाह कि जैसा पार्टी डिसाइड करेगी मैं वैसा करूंगा। अनिल भाई मेरे ख्याल से आप कुछ ज्यादा गलत, थोड़ा सा मेरी सोच के मुताबिक थोड़ा गलत कंपेयर कर गए। मेरा सवाल जानते हैं क्यों था? मेरा सवाल इसलिए था कि अमेठी को लेकर और रायबरेली को लेकर ऐसी सोच नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आप कर रहे हैं, वो वहां जाके चुनाव लड़े, वो बनारस में कंफर्टेबल है, वहां पर वो जीत रहे हैं, उनका गढ़ है। मैं गढ़ से बात कर रहा था, वहीं से जोड़ रहा था। मेरा सवाल इसलिए भी था कि 22 दिन का वक्त बचा है अमेठी और रायबरेली में चुनाव यानी वोटिंग होने को, आपको नहीं लगता कि बहुत? मैं इसका जवाब दे देता हूं, मैं हाल फिलहाल में अमेठी होके आया था और रायबरेली भी गया था। अगर आप वहां पर जाके देखेंगे तो लगातार हर बूथ पे कार्यकर्ता काम कर रहा है, वोटर लिस्ट चेक कर रहा है, देख रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की शह पर हमारे वोटर्स को कटवा तो नहीं दिया, पूरा काम तरीके से चल रहा है। जहां तक डिसीजन का काम है, अनिल भाई माफी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ, हमें अपनी खुशी नहीं चाहिए, हमारा ये मानना, देखिए मेरा सवाल तर्कपूर्ण है, 22 दिन का वक्त बचा है, ये लोकसभा चुनाव है, ये उपचुनाव नहीं है। मैंने कहा ना कि कई बार स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है, कई बार हम कैंडिडेट जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं और कई बार लेट करते हैं, ठीक है। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, सुन लीजिए 10 सेकंड सुन लीजिए बस, कि बेटा जब अपने घर जाता है ना तो वो एक दो दिन पहले चला जाए या दो दिन बाद में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा भी तो मैं मना लूंगा और अगर कोई बात होगी तो मुझसे कह देंगे, ये पारिवारिक रिश्ता होता है। जब राजनीतिक रिश्ता होता है तो एक्टिंग करी जाती है, वहां के पिछली बार बेटे से नाराजगी कुछ ज्यादा हो गई थी, है ना। चलिए 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 अनिल भाई, आपको मैंने सुनिए तो आपको मैंने बहुत वक्त दे। अब मैं एक एक करके, मेरे साथ तीन मेहमान और जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अजय कुमार झा भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, प्रशांत मिश्रा जी बीजेपी नेता के तौर पर जुड़े हैं, तारिक खान भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तारिक खान भाई आपका रुख कर लेता हूं, इससे पहले कि मैं प्रशांत मिश्रा जी का रुख करूं, तारिक खान भाई ये मानते हैं कि अगर ज्यादा देर हो, कहते हैं ना सही समय पर अगर चोट पड़ती है तो एक धातु भी गहना बन जाती है, थोड़ा देर हो जाए तो मुश्किल हो जाती है, क्या आपको लग रहा है देर हो रही है? अमृत काल चल रहा है और अमृत काल में जो ना हो जाए सब बढ़िया है। अब पता ही डेट का कैंडिडेचर डिक्लेयर करने में थोड़ा सा टाइम लेना एक खराब रणनीति हो जाती है कि अब तो बहुत देर हो गई,
अब वहां से कैसे लड़ेंगे अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसको जानते हैं क्या कहते हैं, इसी को दोहरा चरित्र कहते हैं। जो मानक होता है ना तराजू, उसको बराबर रखना चाहिए फिर वजन। 5 साल में होते हैं आपने 101 लोगों को टिकट बदल दिया, वो मास्टर स्ट्रोक है, बहुत जबरदस्त, क्या मारा छक्का एकदम बदल दिया, जितने लोग उल्टा सीधा कह रहे थे सांसद जी को, उसके बाद अब नए को सब टिकट दे देंगे, ये स्ट्रैटेजी है। हम वेट कर रहे हैं, कोई वजह होगी, हम देख के। और दूसरा, वैसे तो अब मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राजनीति में किसी का कोई गड़ नहीं बचा है, तब तो आधे घंटा पहले भी कैंडिडेट भेज देंगे, अगर गड़ है आपके हिसाब से तो वो जीत जाएगा या अच्छा परफॉर्म कर जाएगा या लड़ जाएगा। और एक बात पूछता हूं मैं, 3 बार लखनऊ से 51-57-62 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी लड़े, 3 बार हार गए, फिर ग्वालियर आपके हिसाब से, जैसे राहुल जी भाग गए, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो भाग गए, मगर आप लोग कहते हैं कि फिर ग्वालियर दिल्ली पता नहीं कहां कहां लड़े, फिर 91 में फिर लखनऊ लौट गया है, डर गए, डर था। लेकिन पहले बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट करे कि किसी बड़े नेता का, अभी तो मैं फिलहाल देखिए आपको मौका नहीं देने जा रहा कि आपके सवालों पर ये चर्चा हो। मेरा सिंपल सा यही बात था, और मेरा भी मानना है कि रायबरेली और अमेठी के बारे में जब बात होती है तो कांग्रेस का होनी नहीं चाहिए, ये तो वही है कि जैसे अभी मेरे से अनिल भाई ने बोला कि परिवार का बेटा घर जाता है, कुछ दिन बाद चला गया तो नाराजगी होती है, वो दूर हो जाती है, वो परिवार के हैं, वो परिवार है, इसीलिए सवाल आपसे पूछा। बताए तारिक भाई, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि वो अगर उनका गढ़ है तो एक दिन पहले चुनाव जीत लेंगे वो जाके। जो लोग कह रहे थे और दुकानदार ने मुझे 13 रुपए दिए, क्योंकि जो स्मृति ईरानी जी ने कहा था तो वो ये हुआ कि आप चीनी भी मिलेगी 1 किलो और 13 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये काम किया स्मृति जी ने, काबिले तारीफ काम है, मुंह से बोलना आता है, बोलने को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मगर काम के नाम पर 0 है। अगर इंडिया गठबंधन अपने कैंडिडेट बदलता है तो फिसड्डी है, और ये 101 लोगों को कह रहे। महत्व किस बात का, महत्व इस बात का है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, हमें डिसाइड करने दीजिए, या तो पीएमओ से एक आदेश करा दीजिए कि एक निर्धारित समय में ही हम पार्टियों को, अब जो दिल्ली में बैठते हैं वहां से आदेश करा दीजिए, हम लोग 2-4 दिन में आए, आधे घंटे में टिकट करेंगे हम लोग। लेकिन जब तक चुनाव आयोग ये फ्रीडम देता है हमको, हम 10 मिनट पहले, 5 बजे से पहले भी नामांकन करा सकते हैं, टिकट बदल सकते हैं, जैसे आप 100 लोगों को कहते हैं डाटा किए। ये अलग उम्मीदवार हैं, इनकी अलग पहचान है, इनकी अलग फॉलोइंग है। नहीं आप चर्चा को, आप चर्चा को कहीं और ले जा रहे थे, इसलिए मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। मैं अब सुनेंगे प्रशांत मिश्रा जी, क्या वर्तमान स्थिति जो अनिल यादव जी कह रहे थे कि सीरियल की पॉलिटिशियन है स्मृति ईरानी, वो सीरियल में ही, वैसा ही तारिक खान भाई कुछ कह रहे थे कि अगर गढ़ है तो एक दिन पहले भी हम जीत के दिखा लेंगे। प्रशांत मिश्रा, क्या कांग्रेस किसी उहापोह में आ गई है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, ये जानते हुए कि 22वें दिन आज से अमेठी और रायबरेली में वोट पड़ेगा? आपकी आवाज हम किसी तक नहीं आ पा रही है। प्रशांत मिश्रा जी एक बार और कोशिश करें, अनम्यूट करके खुद को बात करें जरा। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ा था, उसके अलावा गांधी परिवार गाहे बगाहे वही अमेठी और रायबरेली, ये जो क्षेत्र हैं यहां से वो जीतता आ रहा है लगातार, यहां पर और लोग भी यहां पर इन जगहों पर मिलते हैं जो कि गांधी परिवार के बहुत लॉयल हैं। तो हमारे हाथ में है ही वक्त लेकर बाकी स्ट्रेटेजी को सुधार लिया जाए, और यहां पर तो हम किसको डिक्लेयर करने वाले उसके बारे में लोगों का अंदेशा है, या फिर ये स्थिति है कि पिछले चुनाव के समीकरण समझ लिए जाएं और वर्तमान चुनाव को भी तौल लिया जाए और फिर कुछ किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और उन पर जब चर्चा होगी तो अलग तरीके से होगी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। और यही बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब इन लोगों की उम्मीदवारी की चर्चा कहीं भी उस जगह से होगी तो लोग उसके लिए कुछ ना कुछ उम्मीद करके बैठे रहेंगे। तो वैसे हालत में जो एक समा बना है उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद
वो राहुल गांधी जी अगर वायनाड में हार जाते हैं, उसकी संभावना अंततोगत्वा शायद वो हारेंगे नहीं, लेकिन अगर वो इवेंचुअली हार जाते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से वहां एलडीएफ के साथ और यूटो को उठाया कौन, उछाला किसने? देखिए मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मैं एक अगर आम व्यक्ति के रूप में मेरी भी उत्सुकता है यह जानने की, और लोगों की ठीक उसी तरह से होगी कि अगर वो आईएनडीए खेमा को ऐसा बहुमत मिलता है तो वही प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए आम लोगों में दिलचस्पी बढ़ जाती है, और तब और बढ़ जाती है कि वो एक है कि आप जीतेंगे पिछली बार की तरह। तो इन बातों का शगुफा ही अगर इसे मान लिया जाए तो क्यों उड़ाना, इसका खंडन कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? और अगर ये एक एक स्थिति बना करके रखी जाती है कि लोग सुनते रहें और इस पर बातें होती रहे, वो कर लें। अब जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं उनकी तुलना सीधे मोदी जी से ही करता हूँ। चलिए अब मोदी जी तो बनारस से जीते हैं और इस बार भी वो वहीं से लड़ेंगे, ये बात तो लोगों को पता ही है। जब आप इतने बड़े कद के नेता हैं और आपके परिवार के लोग भी ऐसा करते रहे हैं, और आपने भी किया है, आपने अभी वहां से वापस आकर के ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक बड़ा कंफ्यूजन होगा। और ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग बड़े खुश होंगे, वो लोग तो चाहेंगे, अगर अगर आपको जीतने का कॉन्फिडेंस है तो निश्चित तौर पर वहां खुशी होगी, लेकिन उन्हें इस बात का भी कंफ्लिक्ट होगा कि आखिर ये यहाँ आ रहे हैं तो हमें ठगने आ रहे हैं, या फिर वापस वो यही लगता है कि स्ट्रेटेजिकली ये बहुत सही अप्रोच है, बट देन ये लोग बड़े मतलब बड़े स्ट्रेटेजिकार हैं कांग्रेस में भी और भाजपा में भी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये कर रहे हैं वो भाजपा नहीं करते, निश्चित तौर पर अभी जो कहा है हमारे मित्र ने कि भाजपा भाजपा भी ऐसा करती है, भाजपा ने भी ऐसा किया है, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो ये लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन का स्तर पैदा तो करता है। खैर, मेरे साथ अब प्रशांत जी जुड़ गए हैं, उनकी आवाज भी साफ है, बीजेपी नेता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, अनिल यादव प्रवक्ता कांग्रेस, उनका कहना है कि स्मृति ईरानी एक सीरियल पॉलिटिशियन की तरह हैं, तो इसको